अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे बेटा? ठीक है। अच्छा बेटा, आज इंग्लिश हम करते हैं, तो शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग से। एक्सीड, आमादा हो जाना या कबूल कर लेना। टू एग्री टू ए डिमांड, किसी की डिमांड को के ऊपर एग्री हो जाना। स्काउट, जासूस या भेद निकालने वाला। ए सोल्जर, ओके। रैटल, खड़खड़ाहट, इसको कहते हैं क्लैटर या फ्लस्टर। नेक्स्ट, स्कैल्प, सर की खाल उतारना। टू रिमूव द स्कैल्प ऑफ ए पर्सन, ओके। कर्स, कर्स लानत या पेस्ट। प्रोमिनेंट, नुमाया। मुमताज, इम्पॉर्टेंट और वेल नाउन। मेन, व्हाट इज दिस मेन, जानवरों की जो गर्दन पर बाल होते हैं उन्हें कहते हैं मेन। हियर आर एनिमल नेक। वियरी, थका हुआ, टायर्ड। कैरिबो, कुतबी हिरन, क्या है, रेनडियर। ओस्लो, ओस्लो नॉर्वे का दारुल हुकूमत, द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। स्क्रूटनी, जांच पड़ताल। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन। श्रिवल, कमज़ोर हो जाना, श्रिंक, सुकड़ जाना, ओके जी, श्रिवल। स्टेशनरी, थमा हुआ, साकन। एक बेटा, अगर यहाँ पे एक जगह पे ई होता तो वो हो जाना था स्टेशनरी। ये जो बुक्स वगैरह की दुकान होती है उसे कहते हैं। तो ये जो स्टेशनरी है, ये है थमा हुआ, नॉट मूविंग, ओके। शैबी, हस्ता हाल। सक्रफी, क्या है, सक्रफी। इनुइट, इनुइट, बहरे मुंजमिल शुमाली इलाके के लोग, जहाँ पे मुंजमिल शुमाली, जहाँ पे बर्फ़ जमी होती है ना समंदरों में, उस साइड पे जो इलाके हैं वहाँ के लोग। प्रीवियसली एस्किमोस। रेसिप्रोकेट, मुस्बत जवाब देना। रीपे समन्स एक्शन इन ए सिमिलर वे। नेक्स्ट, पैसिफिक, पुरमन, पीसफुल। रैक्ड, क्या है, W नहीं पढ़ना आपने, रैक्ड, तबाह होना। डिस्ट्रॉयड एट सी, समंदर में तबाह हो जाना। एक्सपेडिशन, मुहिम, मुहिम जो होती है ना, मुहिम जो ही करना। ए जर्नी बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द क्लियर एम टू एक्सप्लोर, ओके। नेक्स्ट बेटा, अभी सेंटेंसेस बनाने हैं आपने वर्ड से। स्टाफ, फाका कशी। विदाउट फूड दे वुड स्टाफ, अगर खाना नहीं होगा तो उनको फाका कशी करना पड़ेगी। डिवोर, क्या है, डिवोर, खा जाना। मैन लिव लाइक फिश, वो इंसान जो बड़ी मछलियों की तरह होते हैं। द बिग वन डिवोर द स्मॉल, बड़े छोटी को खा जाते हैं। गॉबल, चबाना, क्या, चबाए बगैर खाना, गॉबल करना। ईट स्लोली एंड डोंट गॉबल, आहिस्ता आहिस्ता खाएं और गॉबल मत करें। मंच, गपशप। शी इज मंचिंग ऑन समवन समथिंग, ओके। आगे है स्टेड फास्टली, स्टेड फास्टली। शी साबित कदमी, शी स्टेड फास्टली रिफ्यूज टू स्पीक, उसने साबित कदमी से बोलने से इनकार कर दिया। आगे है ऑस्टेंटेशियसली, ऑस्टेंटेशियसली ठाट बाट। द रूम वॉज ऑस्टेंटेशियसली डेकोरेटेड इन वाइट, ओके, मतलब कि वाइट कलर किया बड़ी ठाट बाट के साथ। रेसिप्रोकेट, ठीक है जी, अदायगी। ही विल रेसिप्रोकेट इन काइंड, मतलब कि वो जब भी वापस करेगा, अदायगी करेगा तो काइंड के साथ, मेहरबानी के साथ ही। आगे है पैसिफिक, पुरमन। दे क्रॉस्ड पैसिफिक शिप, दे क्रॉस्ड ए पैसिफिक शिप। फिरोशियस, क्या है, फिरोशियस, ज़बरदस्त। द फिरोशियस पैंथर इज चेजिंग ए रैबिट, क्या, एक जो पैंथर है ना, ज़बरदस्त पैंथर, वो किसको चेज कर रहा है, रैबिट को। सरप्टिशियसली, खुफिया तौर पर। शी सरप्टिशियसली हैड ए लुक इन द आंसर बुक, मतलब उसने बड़े खुफिया तरीके से ना अपनी आंसर बुक की तरफ देखा।
जी बेटा आगे है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। बेटा ये जो पोल्स है ना हमारे दुनिया के दो पोल्स बने हुए हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये आपकी बुक के ऊपर ये बड़े अच्छे तरीके से दिया हुआ है, वो आपने वहाँ से रीड आउट करना है। और जिसकी समझ नहीं है आपने मुझे टेक्स्ट करके पूछ लेना, मैंने यहाँ पर भी कुछ लिखा है लेकिन आपने वहाँ से जो है ना याद करने हैं। कंप्लीट द गिवन प्रोवर्ब्स, ये जो प्रोवर्ब्स है ना इनको हमने कंप्लीट करना है। द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, लुक बिफोर यू लीप, लर्न टू वॉक बिफोर यू रन, लर्न टू वॉक बिफोर यू रन, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। ठीक है बेटा, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। यू मे लीड ए हॉर्स टू वाटर बट यू कुड नॉट मेक हिम ड्रिंक, क्या यू मे लीड ए हॉर्स टू वाटर बट यू कैनॉट मेक हिम ड्रिंक। ओके, अब बेटा आपकी बुक नंबर, बुक के ऊपर पेज नंबर 35 है, वहाँ से कुछ ये है ये हमने पूरा करना जी। इट इज़ ओनली ए लिटल ट्विग, इसका आंसर मैं लिखने लगा हूँ क्या। दिस इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोइम, इट डिस्क्राइब द स्मॉलनेस ऑफ द पोइम एंड सेट it where the sun will. In these lines the poet says that the twig needs look after, thrust hither and thither, thrust hither and thither. This line from the poem describe the development of the twig into a tall bush with flowers and leaves. Okay, recover themselves. In this line, the poet says that they had to cover all the things, clash one upon another. This line describes the effect of the bush on its environment, particularly the grass blades that grow beneath the bush. Okay, आगे है add suffixes in the following. तो ing और ed लगाना है। प्रीफिक्स होता है जो लफ्ज़ के पहले लगाते हैं और सुफिक्स वो होता है जो लफ्ज़ के बाद में लगाते हैं। जैसे कि लाफ है ना तो ing लगाएंगे तो लाफिंग हो गया और ed लगाएंगे तो लॉफ्ड। ओके, स्टॉप है स्टॉपिंग और स्टॉप्ड, हिट है तो हिटिंग, इसका ed नहीं लगेगा क्योंकि हिट की दूसरी और तीसरी फॉर्म जो है ना हिट 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 ही होती है। और कैच, कैच का आ गया कैचिंग और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है काट, तो आई ई डी तो नहीं लगेगा इसलिए वो हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह सिट सिटिंग, तो सेकंड फॉर्म इसकी सिटेड नहीं होती, सिट सेट होती है तो वो नहीं हमने यहाँ पे लिखा। रन, तो ये हो गया रनिंग, तो सेकंड फॉर्म होती है रैन तो वो नहीं लिखी। फिर है थिंक, तो थिंकिंग। इसी तरह प्लान, प्लानिंग या प्लान्ड, ज्वाइन joining joined, chat chatting chatted। ओके जी, ये आपने सुफिक्सेस बना लेने। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, ये जो एडजेक्टिव्स दिए गए हैं ना इनमें से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं। ठीक है जी, पहला फ्री, तो फ्री से क्या हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, फ्रीडम। डेलीगेट से क्या बनेगा, डेलिकेटनेस, क्या बनेगा, डेलिकेटनेस। वाइड से क्या बनेगा, वाइडनेस। थिन से क्या बनेगा, थिननेस। हाई से क्या बनेगा, हाइट। हाई से क्या बनेगा, हाइट। ऑकवर्ड से क्या बनेगा, ऑकवर्डनेस। स्वीट से क्या बनेगा, स्वीटनेस। ब्रॉड से क्या बनेगा, ब्रॉडनेस। ब्रॉड से क्या बनेगा, ब्रॉडनेस। ऑनेस्ट से क्या बनेगा, ऑनेस्टी। ऑनेस्ट से क्या बनेगा, ऑनेस्टी। जी बेटा आगे है एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। प्रॉपर नाउन बेटा वो होते हैं किसी खास जगह का नाम, खास चीज़ का नाम या फिर खास बंदे का नाम। तो हमने देखना है यहाँ पे जो है ना प्रॉपर नेम कौन कौन से हैं, प्रॉपर थिंग्स कौन कौन सी हैं। माउस है, नो, माउस तो एक कॉमन सी चीज़ है। तो इस तरह पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ ए प्रॉपर, इसको हमने सर्कल कर देना। फ्लावर एक कॉमन है तो इसको नहीं हम करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे, सैटरडे हमारा प्रॉपर नाउन है। अगेन वीनस प्रॉपर नाउन। ज्योग्राफी कॉमन, स्टालिन कॉमन, सॉरी ये एक तो सिटी का नाम है तो ये
प्रॉपर नाउन है। शुगर, शुगर कॉमन नाउन है, तो अनवर, अनवर प्रॉपर नाउन। स्विम कॉमन, मैड्रिड ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। टुक कॉमन नाउन, दे कॉमन नाउन। कैप्टन खान प्रॉपर नाउन। नाइल दरियाए नील, ये भी प्रॉपर नाउन है। मिस्टर जैकब, मिस्टर जैकब भी प्रॉपर नाउन है। हेयर ये कॉमन नाउन है, तो इसको भी, तो ये आपने ऐसे इनको सर्कल कर लेना। आगे है ग्रामर। फिल द गिवन टेबल अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से इनको जो है ना हमने फिलअप करना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने ये लिखे हुए हैं, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये आठ लिखे हैं जी, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल क्या हैं और इनके फंक्शन क्या हैं। एग्जाम्पल देखें जी, नाउन की हॉर्स, बोट, सियालकोट, ओके, ये हमने नाउन की जो है ना एग्जाम्पल की। और ये इनका फंक्शन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, अ थिंग, ओके। एडजेक्टिव येलो, अगली, सेवन, ठीक है, ये इसमें सिफ्त होती है। डिस्क्राइब्स नाउन, जो नाउन्स को डिस्क्राइब करता है ना उसे कहते हैं एडजेक्टिव। प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दे, वी, आई, यू। स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ नाउन, स्टैंड इन प्लेस ऑफ नाउन। वर्ब, आर, वर, डज, इस तरह के ये सारे, ठीक है जी। टेल्स ऑफ एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, ओके। नेक्स्ट वर्ब, नेक्स्ट वर्ब, सॉरी ये तो वर्ब हो गया, एडवर्ब, क्विकली, प्रीवियसली, एटसेट्रा। डिस्क्राइब आर एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड किया जाए या उसको बयान किया जाए और अच्छे तरीके से, उसे कहते हैं एडवर्ब। कंजक्शन, कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, नॉर, इफ, हाउएवर, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना वो कंजक्शन में आते हैं। जॉइंट टुगेदर वर्ड्स आर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस को जोड़ना हो या फिर दो वर्ड्स को आपस में जोड़ना हो तो उसे क्या कहते हैं, कंजक्शन। प्रपोजिशन, जैसे कि अबाउट, राउंड, ड्यूरिंग, ऑफ, दीज टाइप्स आर कॉल्ड प्रपोजिशन। शोज द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स आर प्रोनाउन्स, दो नाउन्स या प्रोनाउन्स के दरमियान जो रिलेशन होता है उसे क्या कहते हैं, प्रपोजिशन। इंटरजेक्शन, वेल, गुडनेस, दीज टाइप्स आर अ वर्ड एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स आर इमोशंस, कोई हम अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। अच्छा बेटा, ये क्रिएटिव राइटिंग में है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर ए रेफ्यूजी स्टिपेंड, तो बेटा ये आपकी जो है ना एप्लीकेशन है, तो इसको आप जो है ना अच्छे तरीके से याद करना है और लिखना है, बार बार लिखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए, ओके। आगे बेटा है, राइट अ स्टोरी अबाउट द फार्मर एंड हिज सन्स, तो बेटा ये आपकी स्टोरी है, द फार्मर एंड हिज सन्स, ये सारी आपने अच्छे तरीके से याद करनी है और फिर इसको बार बार लिखना है। तो ये तो आपने अक्सर सुनी भी होगी ना कि एक फार्मर के बेटे होते हैं तो वो उनको कहता है कि स्टिक्स लेके आओ और अकेले अकेले तोड़ो, तो फिर कहता है इनको इकट्ठा करके तोड़ो, तो ये वो वाली स्टोरी है, ओके बेटा। तो ये वाली आपने अच्छे तरीके से याद करनी है बेटा। नेक्स्ट है, राइट ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये बेटा आपके सामने है करेक्टर स्केच ऑफ कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि हमारे एक हीरो हैं, हमारे उन्होंने हमें ये मुल्क पाकिस्तान लेके दिया, तो जहाँ पे हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये क्रिएटिव राइटिंग है, ये आपने करनी तो खुद थी, चले इनमें से एक देता हूँ मैं आपको ताकि वो जो है ना आप खुद करें और बाकी मैं आपको करवा देता हूँ, ओके। हाँ जी बेटा, ये वाला आपने करना है, राइट लेटर टू योर फादर आस्किंग अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ योर कंट्री, अपनी कंट्री में जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है उस हवाले से आपने एक लेटर लिखना है। तो ये आपने मामा पापा की हेल्प से या फिर किसी और की हेल्प से करके खुद ही जो है ना आपने करना है, वो सबमिट करवाना है, ओके। आगे है, राइट एनी 50 फॉर्म्स ऑफ वर्ब,
क्या है, 50 फॉर्म्स ऑफ वर्ब वो मैंने आपके लिए लिखी हैं, तो वो ये हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है जी बेटा, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल। तो ये 50 हैं, ये पहला पेज है। दूसरा पेज मैं आपको दिखाता हूँ जी बेटा, ये दूसरा पेज है, ये भी सारी आपने कर लेनी है, सही तरह से याद करनी है, लिखनी भी है और मामा पापा को तंग भी नहीं करना, ये सारा काम करके आपने सबमिट भी करवाना है और आपके पता ना नंबर ये वाले ऐड होने हैं आपके पेपर्स में। तो अच्छा अच्छा सा